जिला पुलिस सोलन की जिला अपराध बैठक जिला पुलिस लाइन में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने की। इस मौके पर सोलन जिला के सभी थानों में लंबित पड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न थानों में लंबित मामलों को जल्द से जल्द सुलझाने के उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर यातायात की असुविधा न हो, इसके लिए थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। अधिक जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक सोलन मधुसूदन शर्मा ने बताया कि बैठक में पुलिस कर्मचारियों को आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। वहीं नशे के काला कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए चलाए गए अभियान को और तेज गति प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों की सुरक्षा व राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर जाम की स्थिति से निपटने के लिए कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। जहाँ तक क्वार्टरों के संबंध में विषय में बात है, तो हमने क्वार्टरों को कैसे बेहतर बनाया जाए उसके बारे में चर्चा की, और अपराध में खासकर नशे के ऊपर, जैसा कि सोलन पुलिस ने आजकल एक अभियान चलाया हुआ है, तो इस अभियान को जारी रखने का निर्देश दिया गया। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जनता के सहयोग से ड्रग्स जो हैं सोलन में, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यातायात के बारे में, जैसा कि हम सबको मालूम है कि 10 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक बहुत छुट्टियां हैं, तो सभी थाना प्रभारियों को जो नेशनल हाईवे के ऊपर हैं और जो हिल स्टेशन के ऊपर तैनात हैं, उनको बताया गया है कि हमें यातायात का विशेष ध्यान रखना है और ऐसा यातायात व्यवस्था बनाए रखनी है कि टूरिस्टों को कम से कम प्रॉब्लम आए।